global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. मैं तो यही कहता हूँ और कह रहा हूँ, और अभी अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो हमलावर थे, क्या जरूरत थी उनको नकाब पहनने की? ये तो कायर थे, कायर है, और ऐसी कायरता का कभी भी अपने हिंदुस्तान में समर्थन नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने देखा टीवी पर, तो ये तो मुझे 26 नवंबर का जो हमला हुआ था उसकी याद आ गई। तो ऐसे हमने तो मैं तो मार्च में नहीं बता सकता। जिस तरीके से पूरे मामले में राजनीति शुरू हुई है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ, उसे कैसे देखेंगे? लोग वहां पहुंच गए हैं और लोगों को कहीं सपोर्ट में, कहीं विरोध में प्रोटेस्ट शुरू है। नहीं, विरोध तो होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो बात अपने देश में नहीं होनी चाहिए वो हुई है, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, वो चाहे वहाँ के पुलिस हो, तो पुलिस का कर्तव्य बनता है जिन लोगों ने हमला किया, ढूंढो और सजा दिला। रास्ते पे आ गए हैं, सपोर्ट में, गेटवे पे हमने देखा कल रात से काफी विद्यार्थी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, उनके लिए आपका क्या कहना? मैं तो यही कहूंगा कि महाराष्ट्र में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं मेरे महाराष्ट्र के जितने सारे युवा और युवती है उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी बात मैं महाराष्ट्र में नहीं होने दूंगा और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एपी वीपी और जो है लेफ्ट इज दोनों आमने सामने आ गए। नहीं, मैं तो फिलहाल इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता। ये नकाब जो था उनके चेहरे पर, वो उतरना चाहिए, वो उतरना ही चाहिए, और असली चेहरा जो हमला जिसने किया उनका पूरे देश के सामने आना ही चाहिए। सीएम साहब, आपको लगता है कि बिना सरकार की शह के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं है? बिना सरकार की शह के बिना ऐसा होना मुमकिन नहीं है? पुलिस, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, मैं तो सीधी मांग कर रहा हूँ कि नकाब के पीछे जो भी चेहरा हो वो सामने आना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस तरफ या उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, और जिसने भी हमला किया उनको तो सजा होनी चाहिए। जिस तरह से जामिया में घुस के पुलिस ने कहा कि उन्होंने वायलेंस को, हिंसा को वहां पे रोकने के लिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया, लेकिन अब वहां पे जो वीडियो सामने आ रहे हैं जेएनयू से, वहां दिख रहा है कि पुलिस ने कुछ करने की खास कोशिश नहीं की, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस का जो बायस है वो भी सामने आ रहा है इसमें? लगता तो वही है, और इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अब पुलिस का कर्तव्य बनता है, और पुलिस अगर ये कार्रवाई नहीं करती तो उनके ऊपर भी एक शक या प्रश्न चिन्ह जरूर निर्माण होता है। या सर्व प्रकाराला गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार आहेत का? मी आता कोणत्याही राजकारणात जात नाही, आता माझं म्हणणं एवढंच आहे की जे कोणी याला जबाबदार असतील हल्लेखोर, त्या हल्लेखोरांना शोधून त्यांना शिक्षा तर झाली पाहिजे, आणि हे जर का नाही झालं तर मग ह्याच्यात राजकारण आहे का असा एक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो। पण आता माझं म्हणणं एवढंच आहे की सगळ्यांनी, चला निपक्षपातीपणाने याची सगळ्याची चौकशी होऊ द्या, आणि या हल्लेखोरांच्या चेहऱ्यावरचा मुखवटा हा ओरबाडून काढून त्यांचा चेहरा जनतेसमोर आला पाहिजे, आणि त्याने शिक्षा झाली। विधानसभा चुनाव है और आज शायद ऊपर कुछ तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, क्या लगता है कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए या फिर इसके पीछे कुछ लोग शासन, ये मुद्दा हाईलाइट? मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ अंदाजा नहीं लगाना चाहता, और फिलहाल तो मैं बात इसी जो कल घटना हुई है सीमित वहीं तक रखना चाहता हूं, और मेरी मांग यही है जो पूरे देश में युवा और युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है, अपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है। सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जगाने की कोशिश मत करो, अगर ये युवा भड़क जाएगा तो फिर मुश्किल होगी। यूनिवर्सिटीज को जिस तरीके से, और अपना युवा कभी, कल भी नहीं, आज भी नहीं, आने वाले कल में भी, कभी भी डरपोक था नहीं और नहीं है। अवधि कालच्या घटनेनंतर एवढा अवधी झालेला आहे, तरी अजून सुद्धा तपास यंत्रणेकडून अशी कुठली पावलं उचलताना दिसतं येत नाहीये। ह्याच्यामधनं पुढच्या गोष्टी स्पष्ट होतील की काय हा स्पॉन्सर्ड हल्ला होता की नव्हता, हे पुढच्या काही काळामध्ये सिद्ध होईल। राज्यातल्या विद्यापीठाची सुरक्षा वाढवणार आहे का? राज्यामधल्या विद्यापीठांची सुरक्षा वाढवायची आवश्यकता असेल तर जरूर वाढवेन, पण इथल्या विद्यार्थ्यांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही, आणि जो कोणी प्रयत्न करेल त्याचं काय करायचं ते आम्ही बघू। मुंबईमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, सरकारतर्फे या विद्यार्थ्यांना कोण भेट देण्यास जाणार आहे का? नाही, मला असं वाटतं त्यांच्या मनातला तो जो एक उद्रेक आहे तो बाहेर येतोय,
आणि मुळामध्ये ही घटना दिल्लीमध्ये घडलेली आहे. त्याच्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण युवा शक्तीला एकच आवाहन किंवा विनंती करतोय की आपल्या मनात जो उद्रेक आहे तो माझ्याही मनामध्ये आहे. कारण शेवटी देश किंबहुना जी पिढी असते ती आपण असं म्हणतो की युवक हे आमचे भावी आधारस्तंभ आहे. या आधारस्तंभांना मजबूत करण्याचं काम हे आजच्या पिढीने करायचं असतं आणि म्हणून मी पूर्णपणे ह्या युवकांच्या सोबत आहे. कोणाच्याही मनामध्ये एक कणभर सुद्धा त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये भीती बाळगण्याचं कारण नाही. महाराष्ट्र में तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा. जेएनयू का जो टीचर एसोसिएशन है, जेएनयू का जो टीचर एसोसिएशन है, उन्होंने मांग की है कि वाइस चांसलर को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि जब हिंसा शुरू हो रही थी उनके खुद के मुताबिक एक एक करके बात सामने आएगी और ऐसी कोई बात आज के जमाने में ऐसी स्थिति नहीं रह सकती. तो जो भी बातें आनी है आने दो सामने और उसके ऊपर कार्रवाई करना वहां की सरकार का काम है. फिर अगर मगर की बात है, अगर करे या ना करे तो फिर आगे की बात है. अशोक नहीं, असल है अशोक गहलोत हे तसे सगळेजण एकमेकांच्या संपर्कात असतात पण आज ते पहिल्या प्रथम मातोश्रीत आले. मुंबईमध्ये ते आले होते, त्यांनी एक भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि साहजिकच एक सदिच्छा भेट म्हणून आम्ही भेट 2022 ने आता पहिलं त्याच्या शुभेच्छा आम्ही 2020 सुरू झाले त्याच्यामुळे एकमेकाला शुभेच्छा दिल्या आणि साहजिकच आहे. मग सीएम साहेब दावा केलेला आहे, त्यांनी असं म्हटलं की येत्या गुढीपाडव्याला राज्यामध्ये नवीन सरकार येईल. या सरकारमध्ये मंत्री आणि आमदार बिचारे काय काय जण भातुकीचा खेळ खेळतात त्याने खेळू दे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री शिवसेना त्या पद्धतीने शरद पवारांच्या नावाला सुटलेली सुतवा त्या पद्धतीने एक संकेत दिली. अरे अजून आता राष्ट्रपती काल परवा झाले ना, आपण त्याला पण जरा कशाला एवढं पण आपण ठीक आहे आपण बघू ना. सी ए को लेकर के महाराष्ट्र सरकार की क्या भूमिका होगी कल भी मैंने बात स्पष्ट कर दी है और किसी जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ के युवा और युवती को डरने की कोई आवश्यकता नहीं कल की घटना को लेकर. वैसे मैंने कहा है कि किसी को भी किसी नागरिक को मैं उसका अधिकार किसी को भी छीनने नहीं दूंगा. मातोश्रीच्या बाहेर जो शेतकरी आले त्यांच्यासोबत धक्का मुक्ती झाली त्यासंदर्भात तुमचं त्यांच्याशी बोलणं झालंय का? आणि नाही, माझं बोलणं जरी झालेलं नसलं तरी त्याची ज्या काही व्यथा होत्या त्या माझ्यापर्यंत आलेल्या आहेत आणि त्याच्याबद्दल वस्तुस्थिती काय आहे ही माहिती घेतल्यानंतर त्याच्यावरती जे काही करण्याची गरज आहे ते मी केल्याशिवाय राहणार. एकूण फंड्स यायचे आहे आम्हाला, आपण एक 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 गुंतवून आपल्याला भेटून गेलेले आहे. अब्दुल सत्तार काल आपल्याला भेटून आज संध्याकाळी पण एक बैठक होणार आहे. खरंच त्यांनी राजीनामा आपल्याकडे सुटला, माझ्याकडे राजीनामा त्यांनी दिलेला नाही. मला असं वाटतं आपण विषय खूप मिस करतोय. तुम्हाला दिसते का नाराजी? मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.